न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले एक अभियुक्त को एसटीएफ गोरखपुर की इकाई ने किया गिरफ्तार। 2700 प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन, एक कार, 3 मोबाइल, 150 रुपए नकद किया बरामद, भेजा जेल। विजय दिवस पर वीर अमर शहीदों के समाधि स्थल पर पूर्व सैनिकों ने पुष्पगुच्छ रखकर दी वीर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि। कहा, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। जीत के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बना बांग्लादेश। महायोजना 2031 पर आई आपत्तियों के जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने की सुनवाई। कहा, कुल 11,500 आई थी आपत्तियां, सभी की हो चुकी है सुनवाई। बचे लोग सोमवार को आकर प्रेक्षागृह में बता सकते हैं अपनी समस्या। नगर निगम चुनाव के दृष्टिगत भाजपा के महानगर वार्ड के चुनाव प्रभारी व चुनाव संयोजक की संयुक्त बैठक हुई संपन्न। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, सीएम योगी की धरती पर उनका मान सम्मान बढ़ाना हर भाजपा कार्यकर्ता की है जिम्मेदारी। भाजपा कार्यकर्ताओं को नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाकर कायम करना चाहिए मिसाल। खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए ट्रैफिक विभाग की तैयारी हुई पूरी। एसपी ट्रैफिक ने कहा, श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए 14 स्थानों पर बनाया जा रहा है पार्किंग। बाहर से शहर में आने वाले वाहनों का किया जाएगा रूट डायवर्जन। विजय दिवस पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि कर्नल बीपी शाही ने कहा, चुनौती मिलने पर शत्रु को पराजित करने की क्षमता रखने वाली सेना ही होती है सशक्त। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित 4 दिवसीय ललित कला महोत्सव का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के प्रचारक सुभाष जी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, साध्य के लिए साधन नहीं, साधना व संकल्प है अनिवार्य। भारत नेपाल मैत्री समाज व वीर सेनानी कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया भारतीय सेना का पराक्रम विजय दिवस। कहा, आज ही के दिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर भारतीय सेना ने कराया बांग्लादेश का उदय। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के 7 मार्च में क्रूज को रामगढ़ ताल में उतारने की जीडीए कर रहा है तैयारी। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने दी जानकारी। और विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संयुक्त तत्वावधान में 29 दिसंबर से प्रारंभ होगा श्री राम शौर्य कथा तथा श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन यज्ञ। कहा, 5वीं बार बनेगा विश्व रिकॉर्ड, गोरखपुर का नाम विश्व इतिहास में होगा रोशन। अब खबरें विस्तार से। एसटीएफ गोरखपुर इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसटीएफ गोरखपुर इकाई के प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को भगवानपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आमिर खान पुत्र शफीक निवासी ग्राम सुकरौली थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है, जिसके पास से 2700 प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन, एक कार, 3 मोबाइल, 150 रुपए नगद बरामद किया गया है। एसटीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में कहा कि लकी की नौतनवा में कपड़े की दुकान है और लकी ने ही मुझे एक मोबाइल नंबर दिया था। उसी व्यक्ति से पीपीगंज में प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन लिया था, जिसे लेकर वह नेपाल बॉर्डर पर जा रहा था। यहाँ से इसकी सप्लाई हम लोग नेपाल में करते हैं और यह कारोबार पहले से करता आ रहा है। कुछ दिन पहले ही नशीली दवाओं का कारोबारी गैंगस्टर में जनपद महाराजगंज की जेल से छूटा है, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसटीएफ प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह, हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह, विनय सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, गौरव प्रताप सिंह, कांस्टेबल मोहित कुमार गौड़, कमांडो जितेंद्र प्रताप शामिल रहे। Yeah.
विजय दिवस के अवसर पर कचहरी बस स्टैंड स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर गोविंद मिश्रा ने वीर अमर शहीदों के समाधि स्थल पर पुष्प गुच्छ रखकर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में ब्रिगेडियर गोविंद मिश्रा ने बताया कि 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में करीब 39,000 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जबकि 9,851 घायल हो गए थे। उस युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारे परास्त किया था, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के हृदय में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। आज पूरे देश भर में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान की हुकूमत पूर्वी पाकिस्तान की जनता के साथ बुरा बर्ताव करती आई। 24 साल तक पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों को सहा। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में उनका साथ दिया। युद्ध में भारत की जीत के साथ पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बना। इस अवसर पर विंग कमांडर पीडी शुक्ला, कर्नल सीपी सिंह, कैप्टन ओम प्रकाश यादव, हवलदार अनिरुद्ध शाही, वीर सेनानी अध्यक्ष सतीश चंद्र शुक्ला, रामनाथ, बैजनाथ गुप्ता, सुदर्शन चौहान, आशीष कुमार सहित अन्य सैनिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मेजर जनरल एस के जायसवाल एवं ब्रिगेडियर गोविंद मिश्रा ने कहा, ग्रुप ऐसे खड़ा करा के अरे अरे सर तो थोड़ा देख लो वही पकड़ा थोड़ा चलो फोटो कर अपलोड मार के रुकना है। भारत वीरों की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद।
विजय दिवस हम देशवासियों के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण दिवस है। जिस दिन हमारी देश की सेनाओं ने एक नया इतिहास बल्कि एक नया भूगोल बनाया, जिसमें एक नए देश का सृजन हुआ जिसे आज हम बांग्लादेश के तौर पर जानते हैं, ये एक अभूतपूर्व विजय थी हम भारतीय सेनाओं के लिए, जिसमें बहुत कम समय में, सिर्फ 13 दिन के समय में, एक पूरा भूभाग जो कि बहुत रिवराइन टेरेन था, जहाँ की नदी नाले इतने थे कि वहाँ से हमारा हरकत करना मुश्किल हो रहा था, पूरा उस पर कब्जा किया गया और पाकिस्तानी सेनाओं को परास्त करके 93,000 से ज़्यादा सैनिकों को उनके हथियार और साजो सामान के साथ युद्धबंदी बनाया गया। ये इस दिवस में हमारी सेनाओं का भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन हम अपनी इसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे और 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारे कमांडर को के सामने, कमांडर इन चीफ के सामने, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया। ये युद्ध इतिहास में ये लड़ाई एक बहुत विशेष स्थान रखती है और इस पर हम सब फौजियों को घमंड है। थैंक यू। जय हिंद। जैसा आप ब्रिगेड साहब ने बताया, आज हम लोग किस काम के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 71 की लड़ाई में मैं एक जो भारत का पैराशूट ब्रिगेड है उसका एक हिस्सा था। हम लोग का एक बटालियन ग्रुप तंगेल में जंप किया था, जो ढाका के कैप्चर के लिए। मैं उस टुकड़ी में नहीं था, मैं ग्राउंड रोल में था पैरा ब्रिगेड के बटालियंस के साथ। हम लोग को जो टास्क मिला था वो मगूरा एक जगह है, उसको कैप्चर करने के लिए। उससे पहले हम लोग जैसोर में गए, जैसोर से पाकिस्तानी जो ट्रूप से पहले ही छोड़ के, मैदान छोड़ के भाग गए थे। तो मगूरा हम लोग कैप्चर करने का जो टास्क मिला था वहाँ गए, और उससे पहले अनफॉर्चुनेटली हमारे बटालियन के 7 पैरा बटालियन हमारे साथ था, उनके कमांडिंग ऑफिसर साहब, मेरा एक साथी कैप्टन रामदास और एक और ऑफिसर कैप्टन भरत मसंद, साथ में 6 जवान स्कूल की बिल्डिंग से फायर आया था उन लोग के ऊपर, वो सब शहीद हो गए थे इस लड़ाई में। तो ये जो कार्यक्रम किया है भारतीय सेना ने, सारी दुनिया को इसके बारे में पता है कि कितनी काबिलियत से ये टास्क किया था, और एक हम लोग ने एक नया देश स्थापित किया है। और हर बार जब भी जंग होती है ये पाकिस्तानी शुरू करते हैं और बाद में हार के जाते हैं। आपको ये सभी देख लीजिए, 75 का, 47, 48, 99 कारगिल ऑपरेशंस, 71 तो खैर बहुत बड़ी हिस्टोरिकल बात है। तो हम अपने सारे फौजी साथियों को, भाइयों को, खासकर जिन्होंने जो शहीद हुए हैं इस लड़ाई में, उनको नमन करते हैं। और यही है, भारत सेना हर तरह से आगे बढ़ती रहेगी, काबिल रहेगी। धन्यवाद। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने शुक्रवार को योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में महायोजना 2031 पर आई आपत्तियों की सुनवाई की, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि महायोजना 2031 पर 11,500 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, जिसमें से अधिकतर आपत्तियों की सुनवाई की गई है। जो आपत्तियां बचेंगी उनको शनिवार को सुनकर समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग नहीं आ पाए हैं उनका अगले सप्ताह में सुनवाई की जाएगी, जिसमें 1 से 2,000 तक आपत्ति करने वाले नागरिक सोमवार को आकर अपनी समस्या बता सकते हैं। इसी तरह हर दिन 2,000 नागरिकों की सुनवाई की जाएगी। जो लोग पहले आ चुके हैं उनको आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी कारण से नहीं आ पाया है, वह लोग आकर अपनी समस्या बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी आपत्तियों पर सुनवाई के बाद जीडीए के द्वारा बनाई गई समिति की बैठक करके निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय को बोर्ड में रखकर पास कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, नंबर बताइए क्रम संख्या।
10,620 और ये सर आपत्ति संख्या 9 8 10,620 नहीं मालूम क्या हुआ है, पुराने में जो है वैसे ही रखा गया जी, उसका आवाज ही किया जी। हुमायूंपुर से और कोई है? हाँ सर, 87-30 सर हो गया रुस्तमपुर संडे जी। सर उसमें निवेदन कर रहे हैं कि रुस्तमपुर ढाले से कैट की तरफ जब रोड जाती है, जो बाएं तरफ व्यवसायिक है और दाहिने तरफ आवासीय कर दिया गया है, जबकि इधर भी व्यवसाय हो रहा है उधर भी व्यवसाय हो रहा है, ढाले से कैट चौराहे के बीच में दाहिने साइड में भी जितने व्यवसाय कर रहे हैं उसको व्यवसायिक एरिया बनाया जाए, सर 10,283 से मकान बना के रह रहे हैं हम लोग और नगर निगम से रोड वगैरह सब बन चुकी है जी। फिर भी ग्रीन लैंड में दिखाया जा रहा है तो सर आवासीय किया जाए। थैंक यू। कोल्लेन के बगल में पुलिया बन गई है और वह मार्केट का बाजार था वो तो अब तो भागों में डिवाइड हो गया। हम लोग इसी तरीके से उसके आवास और वो कमर्शियल 271 10,271 हरिवंश और 10,248 जैसे सर दुकान बना हुआ है तो हम लोग सर चाह रहे हैं कि उसको आप कमर्शियल कर दीजिए। कुल 11,500 के आसपास आपत्तियाँ हमें प्राप्त हुई थी, लगभग आज हम लोगों ने उनको सुनवाई जो है समाप्त कर देंगे। थोड़ा बहुत जो आज बचेगा उसको हम कल का दिन भी हम लोगों ने रिजर्व रखा है तो कल एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में अगले वीक में भी हमने ओपन रखा है। जो लोग इस दौरान नहीं आ पाए वो अलग अलग दिनों में अलग अलग क्रमांक के साथ में, जैसे उदाहरण के लिए क्रमांक नंबर 1 से लेकर 2,000 तक सोमवार को आ सकते हैं, 2,000 से 4,000 मंगलवार को आ सकते हैं, फिर 4,000 से 6,000 बुधवार को आ सकते हैं। इस प्रकार हर दिन 2,000 के क्रमांक हम टेकअप कर रहे हैं और पूरा वीक हम लोग इसके लिए ओपन रखा हुआ है। अगर वो लोग जो लोग पहले आ चुके हैं उनको आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई लोग जो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं या उनको कोई कम्युनिकेशन लेट हुआ या जो भी कारण हो सकता है तो वो लोग यहाँ पे आके अपनी बात को कह सकते हैं। मैं पुनः अपील करता हूँ सभी गोरखपुर वासियों से, जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उनको यहाँ दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। सर आगे किस तरह आपत्तियों की सुनवाई जब एक बार पूरी हो जाएगी तो हमारी जो समिति है मेरी अध्यक्षता में इन सारी आपत्तियों को फिर हम लोग सामूहिक रूप से निर्णय करेंगे कि कहाँ पे हमारे पब्लिक इंटरेस्ट और गवर्नमेंट ऑर्डर्स और रूल्स बायलॉज इन सब का एक राइट बैलेंस बन के हम लोग क्या बेस्ट निर्णय गोरखपुर के हित में ले सकते हैं वो निर्णय लिए जाएंगे और उसके बाद फिर बोर्ड की बैठक के माध्यम से शासकीय समिति में इसको रेफर किया जाएगा। बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर नगर निगम चुनाव की दृष्टि से भाजपा के महानगर वार्ड के चुनाव प्रभारी व चुनाव संयोजक की संयुक्त बैठक भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह एवं वरिष्ठ अतिथि लालगंज के पूर्व सांसद एवं महानगर की प्रभारी नीलम सोनकर उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर वंदे मातरम गीत के उद्बोधन के साथ की गई, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को विकास के मामले में मॉडल बनाकर मिसाल कायम किया है। उन्होंने अपने कर्मठता और ईमानदारी की बदौलत गोरखपुर का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की धरती है, ऐसे में योगी जी का मान सम्मान बढ़ाना हर भाजपा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं को नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाकर मिसाल कायम करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्याशी चयन में पार्टी पदाधिकारी ईमानदारी दिखाते हुए जो कार्यकर्ता जिताऊ हो उसे मौका दे। इस अवसर पर महानगर चुनाव के संयोजक चिरंजीवी चौरसिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्व जीतांशु सिंह, महामंत्री देवी श्रीवास्तव, अच्युतानंद शाही, इंद्रमणि उपाध्याय, ओम प्रकाश शर्मा, ब्रजेश मणि मिश्रा, दयानंद शर्मा, पद्मा गुप्ता, श्वेता श्रीवास्तव, अनुपम पांडे, सूर्य प्रकाश शर्मा, अजय मणि त्रिपाठी, आनंद अग्रहरी, शिवम पांडे सहित महानगर के पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए।
जनता पार्टी की जो गोरखपुर के महानगर के एक एक कार्यकर्ताओं को सीधे अपने नाम से जानते हैं, ऐसे हम सभी के लोकप्रिय नेता गोरखपुर क्षेत्र के गोरखपुर महानगर की प्रभारी प्रदेश की उपाध्यक्ष बड़ी बहन श्रीमती नीलम सोनकर जी भी उपस्थित हैं। आपका भी इस बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नेता पूर्व महानगर के अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम श्रीवास्तव जी भी उपस्थित है, आपका भी इस बैठक में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। नगर निगम चुनाव की दृष्टि से चुनाव संयोजक के रूप में आप कार्य देख रहे हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष रसिया जी भी उपस्थित हैं, आपका भी इस बैठक में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज इस बैठक में गोरखपुर क्षेत्र के लोग सभी सुझाव लगातार हम सभी को देते रहते हैं और खासतौर पर गोरखपुर महानगर में क्षेत्र की तरफ से जी की अध्यक्षता में क्षेत्र की भी बैठक संपन्न हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज महानगर की यह बैठक हो रही है। निश्चित ही केंद्र और प्रदेश से जो दिशा निर्देश मिले हैं, अभी हम सबके नेता आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का श्रेष्ठ मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा कि आगे हम सभी संगठन के लिए कैसे मंडल बैठक को जिला प्रभारी लेना, इनको लेना। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ जिला के प्रभारी का भी श्रेष्ठ मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा कि आगे हम सभी को क्या क्या काम करना है संगठन की दृष्टि से और इस निकाय चुनाव की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण हम सभी के सामने निकाय चुनाव है। सभी वार्डो में निश्चित ही बहुत उत्साह है और हमारा नेतृत्व यहाँ मंच पर विराजमान है। निश्चित ही आप सभी के बदौलत ये भरोसा भी दिलाते हैं कि जितना उत्साह गोरखपुर महानगर में है और पूज्य महाराज जी ने जितना काम किया है गोरखपुर महानगर में, जब जब आते हैं सौ सौ दो दो सौ करोड़ दे के जाते हैं गोरखपुर को, निश्चित ही पूरे गोरखपुर में एक बहुत ही शानदार माहौल इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है। निश्चित ही हम सभी इस निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमारी विगत दिनों पहले राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक नई दिल्ली में हुई थी और जब भी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक या राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है तो उसके बाद प्रदेश क्षेत्र और जिले इस क्रम में बैठकें होती हैं। विगत पिछले 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी जिसमें सभी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी उन बैठकों में गए थे। उसके बाद अभी कल हम लोगों ने क्षेत्र की बैठक की है और आज से सभी जिलों की बैठकें प्रारंभ होंगी हुई हैं। अभी तक हम लोग उसी के क्रम में आज गोरखपुर महानगर की भी ये बैठक चल रही है। अभी तक हम लोगों ने नगर निकाय चुनाव में क्या तैयारी की है और आगे हमारी क्या कार्य योजना है, हमारे मंडल सक्षम कैसे होंगे, हमारी बूथ कमेटियां सक्रिय कैसे होंगी, मन की बात को कैसे ठीक ढंग से सुन सकेंगे, आगे के जितने एजेंडे हैं और विशेष रूप से नगर निकाय चुनाव पर हम फोकस करके इस बैठक को कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तीन चार दिनों के अंदर सभी जिलों में कार्य योजना की बैठकें संपन्न हो जाएंगी, उसी की तारतम्य में आज की ये बैठक हो रही है। आज की बैठक काफ़ी अहम है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कुछ इसमें निर्देश दिया जाए? सामान्यतः सभी जनपदों में जो हमारे जिले की पूरी टीम है, मंडल अध्यक्ष हमारे हैं, हमारे मोर्चों के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे निकायों के प्रभारी संयोजक हैं। गोरखपुर महानगर में चूँकि नगर निगम है इसलिए हमारे वार्डों में भी हमारे वार्ड के भी प्रमुख लोग यहाँ आए हैं, इसलिए सभी 80 वार्डों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया है। क्या कुछ ने आज निर्देश दिया जाएगा या अभी तक एक बार हम लोग अभी तक नगर निकाय चुनाव में
हमारे प्रदेश से प्रभारी और संयोजक नियुक्त हैं, उन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं उसकी थोड़ी समीक्षा होगी और आगे की पूरी कार्ययोजना के बारे में विस्तार से इस बैठक में चर्चा होगी। कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यपद्धति के एक वर्किंग सिस्टम के आधार पर काम करती है और इसलिए हम लोगों ने बाकायदे पूरे प्रदेश में प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी अलग बनाई है, क्षेत्र की स्क्रीनिंग कमेटी अलग बनाई है, जिला की स्क्रीनिंग कमेटी अलग बनाई है, नगर निगम और नगर निकायों की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है और सामूहिकता के आधार पर हमारे निकाय के प्रभारी संयोजक जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी सांसद विधायक सब मिलकर के सामूहिक आधार पर हमारी प्राथमिकता में कार्यकर्ता है लेकिन जीतने वाला, इन दो को आधार बना करके हम एक हर जिले में हर वार्ड में या हर निकाय में एक तीन चार नाम का पैनल बनाएंगे और उसी को पैनल को हम प्रदेश में भेज करके उसी के आधार पर चयन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। जनपद में खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए ट्रैफिक विभाग की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जनपद में खिचड़ी मेला गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत तरीके से मनाया जाता है जो कि 2 महीने तक चलता है, जिसमें भारी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं जो कि 1 जनवरी से शुरू हो जाता है और फरवरी के अंत तक चलता है। इसके अलावा रविवार मंगलवार को भी भारी संख्या में भीड़ होती है, जिसको देखते हुए जनपद के बाहरी ट्रैफिक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को मंदिर के रास्ते पर जाने की अनुमति होगी जिनको मंदिर दर्शन करने के लिए जाना होगा, जिसके लिए विभिन्न स्थानों पर बैरियर लगाया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारी संख्या में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि श्रद्धालुओं के वाहन मंदिर के नजदीक पहुंच सके, जिसके लिए 14 जगह पर पार्किंग स्थल बनाया जाएगा और सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वह खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि गोरखपुर जनपद में खिचड़ी मेला परंपरागत रूप से करीब 1.5 महीने तक चलता है और इसमें काफी संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। ये लगभग 1 जनवरी से शुरू हो जाता है और 13, 14, 15 के लिए इसका पीक रहता है, इसके बाद बुढ़वा मंगल पड़ता है। इसके अलावा विभिन्न संडे या छुट्टी अन्य दिवसों पर भी वहाँ पर दर्शकों की और श्रद्धालुओं की काफ़ी मात्रा में संख्या रहती है। उन श्रद्धालुओं को सहूलियत देने के लिए जो बाहर के जनपद से हैवी ट्रैफिक आता है उसके लिए शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उसको बाहर से बाहर ही डाइवर्ट किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं श्रद्धालुओं को मंदिर के रास्तों पर जाने की अनुमति होगी जिनको वास्तव में मंदिर दर्शन करने के लिए जाना है। इसके लिए हमने विभिन्न स्थानों पर बैरियर्स लगाए हैं, पिकेट्स लगाए हैं, ट्रैफिक ड्यूटी पर्याप्त मात्रा में श्रद्धालुओं को सहूलियत देने के लिए लगाई गई है और यथासंभव हमने प्रयास किया है कि श्रद्धालुओं के वाहन ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर के नज़दीक तक पहुंच सकें। इसके लिए पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण करके उनका समतलीकरण किया जा रहा है, नगर निगम के सहयोग से वहाँ पर रैंप बनवाए जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस को विशेष हिदायत दी गई है कि सभी श्रद्धालुओं के साथ अनुकरणीय अच्छा व्यवहार करें, जिससे कि उनको लगे कि वो गोरखपुर में आए हैं और उनके लिए जो है पुलिस सेवा भाव से उनको फैसिलिटेट कर रही है ताकि उनको अच्छे से सुगमता से दर्शन हो और ये त्यौहार और मेला अच्छे से संपन्न हो। श्रद्धालुओं के वाहनों के पार्किंग के लिए पहले 10 स्थान चिन्हित थे, अब हमने 14 स्थान चिन्हित किए हैं जिनमें प्रमुख रूप से भगवती महाविद्यालय RPF का ग्राउंड है और ग्रीन सिटी के पास और इंडस्ट्रियल मोड़ के पास और MP पॉलिटेक्निक, इन सब जगहों पे हमने पार्किंग की व्यवस्था की है। दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा विजय दिवस के अवसर पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे HP डिफेंस एकेडमी के निदेशक कर्नल BP शाही ने छात्र व छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी बांग्लादेश के लोग भारत द्वारा किए गए इस उपकार को मानते हैं। आज वर्तमान में वही राष्ट्र या सेना शक्तिशाली मानी जाती है जो अपनी भूमि पर अधिकार बनाए रखती है तथा चुनौती मिलने पर शत्रु को पराजित करने की क्षमता रखती है। इस संदर्भ में उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि
रूस ने कितना ही आधुनिक हथियारों का प्रयोग क्यों ना कर लिया, परंतु यूक्रेन की धरती पर कब्जा नहीं कर पा रहा है। वहीं 1971 के युद्ध में भारतीय थल सेना ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान पर अधिकार करके मात्र 14 दिनों में ही निर्णायक विजय प्राप्त की थी। उन्होंने छात्र छात्राओं को देश व समाज में उनके सैनिकों की भूमिका एवं महत्व को बताते हुए सेना से जुड़कर विजय दिवस की सार्थकता को सिद्ध करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम इस दिन को विजय दिवस के रूप में इसलिए मना रहे हैं कि आज ही के दिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया था। यह पहला मौका था जब भारत की तीनों सेनाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम यह रहा कि एक नवीन राष्ट्र बांग्लादेश का उद्भव हुआ। कार्यक्रम के अंत में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में पथ संचलन, वाद्य दल, अग्निवीर, एनसीसी तथा खेल के विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन रक्षा अध्ययन विभाग के प्रभारी डॉक्टर आरपी यादव तथा स्वागत विभाग के शिक्षक डॉक्टर सुभ्रांशु शेखर सिंह ने किया एवं आभार ज्ञापन प्रोफेसर परीक्षित सिंह ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा, भारतीय सेना ने इतिहास में
मैं कह सकता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करा करके उसके एक अंग पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में परिवर्तित करके नए देश का निर्माण किया, तो ये 16 दिसंबर हम उस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल बीपी शाही, निदेशक एचपी डिफेंस एकेडमी सिविल लाइन गोरखपुर, जिनका परिचय दिया जा चुका है, और इस महाविद्यालय के ऊर्जावान जागरूक प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, संयोजक IQAC प्रोफेसर परीक्षित सिंह जी और उपस्थित डॉक्टर सुब्रांशु शेखर सिंह जी, संयोजक डॉक्टर राम प्रसाद यादव जी तथा इस मीडिया से पधारे हुए मेरे बंधु प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज के दिन को हम प्रत्येक वर्ष इसलिए मनाते हैं कि हमें अपने युवाओं में कम गौरव के उन क्षणों को हमें याद रखना है। इतिहास के उन क्षणों को पहले बहुत सी ऐसी कोशिश हुई जिसमें भारत ने बहुत अच्छे जो भी कार्य किए वो कुछ धूमिल तरीके से प्रस्तुत किए गए। बहुत से ऐसे युद्ध जिसमें हम पराजित हुए उन युद्धों को बहुत ही हाईलाइट करके प्रस्तुत करने का इतिहास में काम किया गया, किंतु अब हमको उन प्रत्येक क्षणों को याद करना है। आपने देखा होगा कि अमृत महोत्सव काल में तमाम ऐसे कार्यक्रम जो कभी नहीं मनाए जाते थे, काकोरी कांड और इस तरीके के जो गुमनाम शहीद थे, उन सब की स्मृतियों में हमको अपने गौरवपूर्ण इतिहास को याद करना है, इसलिए यह विजय दिवस मनाया जा रहा है। संक्षेप में, समय आप लोग काफी देर से बैठे हैं और मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन कुछ जानकारियां आप लोगों को होना इतिहास के संबंध में बहुत जरूरी है। आप ये बहुत विचारणीय प्रश्न है कि दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में, और वहां जो रिजल्ट आता है तो पूर्वी पाकिस्तान जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां आवामी लीग से मुजीबुर रहमान की पार्टी सर्वाधिक सीटें जीतती है और वो एक स्वायत्त शासी राज्य की मांग करती। दिसंबर 70 से लेकर के दिसंबर 71, एक वर्ष में ऐसा घटनाक्रम चलता है, इस प्रकार का घटनाक्रम चलता है कि एक देश पाकिस्तान से अलग होकर के एक नए देश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कुछ तो उनकी आंतरिक स्थितियां, जैसे कि अब मैं तो कहीं भी लेक्चर देने जाता हूं थोड़ा मुझे समय लगता है, मैं समय कम लूंगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, क्योंकि आपको उन चीजों को जानना चाहिए। नेशन बिल्डिंग कैसे होती है, राष्ट्र निर्माण कैसे होता है, राष्ट्र टूटते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, बिखरते कैसे। मैंने बांग्लादेश का जैसा कि बताया गया है भ्रमण किया, पाकिस्तान का भी भ्रमण किया। एक इस्लाम के नाम पर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ चला गया। पहली गलती तो भारतीय नेताओं की यह थी कि टू नेशन थ्योरी में किसी भी कीमत पर हमको यह क्लास जोड़ना चाहिए था कि जो भूक्षेत्र पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है वही भूक्षेत्र पाकिस्तान में जा सकता है,
और जो भू क्षेत्र भारत से जुड़ा हुआ घिरा हुआ है वो किसी भी कीमत पर हम ऐसा कोई समझौता नहीं मानेंगे। आज दो प्रकार का कार्यक्रम है, एक तो महाविद्यालय में रक्षा स्ट्रेटजिक स्टडी डिपार्टमेंट के तरफ से विजय दिवस का आयोजन, और विजय दिवस के अवसर पे दो हमारे अतिथि आज व्याख्याता के रूप में हैं, एक कर्नल बीपी साई जी जो कि सेना में अफसर रहे हैं और विभिन्न मोर्चों पर वो सेवाएं अपने दिए हैं, और दूसरे रक्षा एवं स्ट्रेटजिक विभाग भटौली महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बलवान सिंह जी हमारे बीच हैं, उनका भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आगमन हुआ और वो भी अपना व्याख्यान देंगे। साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तरफ से जो साप्ताहिक कार्यक्रम हुआ संस्थापक सप्ताह समारोह, उसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई और उन प्रतियोगिताओं में विजेता उपविजेता जो विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय के प्रतिभाग किए थे उनको मंच से सभी को पुरस्कृत नहीं किया जा सका था, तो विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता उपविजेता विद्यार्थियों को, योग्यता छात्रवृत्ति वाले विद्यार्थियों को और क्रीड़ा छात्रवृत्ति वाले विद्यार्थियों को, एनसीसी के कैडेट्स जो पथ संचलन में पुरस्कार प्राप्त किए थे उनको सभी को आज पुरस्कृत भी किया गया, तो ये दोनों कार्यक्रम एक तरह से था। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले एक अभियुक्त को एसटीएफ गोरखपुर की इकाई ने किया गिरफ्तार। 2700 प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन, एक कार, 3 मोबाइल, 150 रुपए नकद किया बरामद, भेजा जेल। विजय दिवस पर वीर अमर शहीदों के समाधि स्थल पर पूर्व सैनिकों ने पुष्पगुच्छ रखकर दी वीर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि। कहा, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। जीत के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बना बांग्लादेश। महायोजना 2031 पर आई आपत्तियों की जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने की सुनवाई। कहा, कुल 11,500 आई थी आपत्तियां, सभी की हो चुकी है सुनवाई, बचे लोग सोमवार को आकर प्रेक्षागृह में बता सकते हैं अपनी समस्या। नगर निगम चुनाव के दृष्टिगत भाजपा के महानगर वार्ड के चुनाव प्रभारी व चुनाव संयोजक की संयुक्त बैठक हुई संपन्न। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, सीएम योगी की धरती पर उनका मान सम्मान बढ़ाना हर भाजपा कार्यकर्ता की है जिम्मेदारी। भाजपा कार्यकर्ताओं को नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाकर कायम करना चाहिए मिसाल। खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए ट्रैफिक विभाग की तैयारी हुई पूरी। एसपी ट्रैफिक ने कहा, श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए 14 स्थानों पर बनाया जा रहा है पार्किंग, बाहर से शहर में आने वाले वाहनों का किया जाएगा रूट डायवर्जन। विजय दिवस पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि कर्नल बीपी शाही ने कहा, चुनौती मिलने पर शत्रु को पराजित करने की क्षमता रखने वाली सेना ही होती है सशक्त। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित 4 दिवसीय ललित कला महोत्सव का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के प्रचारक सुभाष जी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, साध्य के लिए साधन नहीं, साधना व संकल्प है अनिवार्य। भारत नेपाल मैत्री समाज व वीर सेनानी कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया भारतीय सेना का पराक्रम विजय दिवस। कहा, आज ही के दिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर भारतीय सेना ने कराया बांग्लादेश का उदय। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के 7 मार्च में क्रूज को रामगढ़ ताल में उतारने की जीडीए कर रहा है तैयारी। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने दी जानकारी। और विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संयुक्त तत्वावधान में 29 दिसंबर से प्रारंभ होगा श्री राम शौर्य कथा तथा श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन यज्ञ। कहा, 5वीं बार बनेगा विश्व रिकॉर्ड, गोरखपुर का नाम विश्व इतिहास में होगा रोशन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित 4 दिवसीय ललित कला महोत्सव का महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के प्रचारक सुभाष ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनकीश्वर नाथ पांडे ने बताया कि साध्य के लिए साधन नहीं, साधना व संकल्प अनिवार्य है। संकल्प मजबूत हो तो साधन आड़े हाथ नहीं आता। व्यक्ति साधना करते करते साध्य को प्राप्त कर सकता है। संकल्प से साहस का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि ध्रुव ने संकल्प साधना की तो राजा की गोद के स्थान पर भगवान की गोद उन्हें प्राप्त हुई। यदि आपके पास साधन का अभाव हो तो आप खुद को प्रकाशित कर साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि चारों दिन अलग अलग कार्यक्रम है, जिसमें एल्यूमिनाई मीट भी रखा गया है और उनको सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओपी सिंह, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक पूर्वी नारायण, राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुपमा शर्मा, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष हरिनंदन श्रीवास्तव, सोसाइटी के सदस्य प्रवीण श्रीवास्तव, अंजू सिन्हा, राघवेंद्र दास, श्रेयांश पांडे, सज्जन माथुर सहित सोसाइटी से संबंधित सभी संस्थानों के शिक्षक, कर्मचारी व छात्र उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के मैनेजर मनकीश्वर नाथ पांडे ने कहा, तीनों प्रबंध समितियों के और दूसरे विद्यालयों के जो शिक्षक बंधु हैं वे कर रहे हैं, परिसर में कोई खड़ा या बीच आपका आगमन हो रहा है, हम आपका इस परिसर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जिन्होंने 15 एकड़ भूमि दान दी और जहां यह विद्यालय डिग्री कॉलेज और जो रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज है वो पूरा परिसर आपके द्वारा, उसके बाद से राय बहादुर रामनारायण लाल जी आप सचिव रहे और आप ही के कार्यकाल में विद्यालय का नाम महात्मा गांधी इंटर कॉलेज पड़ा और उनके बाद से हर नारायण लाल जी हैं और उनके बाद प्रकाश नारायण लाल जी हैं और उनके बाद से अग्नि का आह्वान अग्नि प्रज्वलन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान सुभाष जी प्रांत श्रीवास्तवी से आग्रह करना चाहूँगा, श्रीफल प्रदान कर हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। नारियल फल एक मांगलिक फल है। यह नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी जो कि 113 वर्ष पुरानी सोसाइटी है, उसके द्वारा पिछले 49 वर्षों से ललित कला महोत्सव, चित्रकला महोत्सव मनाया जाता है। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन है, यह 16 से 19 तक चलेगा 4 दिवसीय। आज इसका उद्घाटन हमारे प्रांत प्रचारक माननीय सुभाष जी के करकमलों द्वारा हो रहा है। हमारे तीनों संस्थान महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज और राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं इस पंडाल में उपस्थित हैं। उन लोगों को कुर्सियों पर बैठा दें, पीछे से बैठाना प्रारंभ करें और इनके उपस्थिति कुल 10,000 के आसपास है। आप देखेंगे पूरे परिसर में और
13 प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें कि हम लोग जिनके में नगर के 50 विद्यालयों के संस्थानों के छात्र छात्राएं भी सहभाग करेंगी और फूड कोर्ट भी लगाया गया है, उद्यमिता मेला भी है, पुस्तक प्रदर्शनी भी कल से लगेगी और 17 तारीख को पुरातन छात्र परिषद इंटर कॉलेज में और 18 को डिग्री कॉलेज में पुराने छात्रों का भी समागम होगा, वो भी अपने दोनों विद्यालयों को देखेंगे। भारत नेपाल मैत्री समाज व वीर सेनानी कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कूड़ाघाट स्थित अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर भारतीय सेना का पराक्रम विजय दिवस मनाया गया, जिसके संबंध में भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ते ने बताया कि आज ही के दिन सन 1971 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के दिशा निर्देशन पर भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी के साथ पाकिस्तानी सेना के 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पित कराया था, जो विश्व में भारतीय सेना के पराक्रम का एक गौरवपूर्ण इतिहास बनकर रह गया। इसी युद्ध के बाद मानिक शाह जी को फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया और बांग्लादेश का उदय हुआ, जिसका नामकरण भी भारत सरकार द्वारा ही बांग्लादेशियों की सहमति से किया गया। उन्होंने कहा कि जब देश के सीमा के सुरक्षा की बात आई तो हम फौजियों ने अपने जान की बाजी लगा दुश्मनों को खदेड़ा ही है। इस अवसर पर भारत नेपाल मैत्री समाज के कमल किशोर गुप्त, वीर सेनानी कल्याण संस्थान के अध्यक्ष अनिरुद्ध शाही, कैप्टन अबुल हसन अंसारी, सूबेदार मेजर B.N. पोद्दार, वारंट ऑफिसर D.K. सिंह, हवलदार राम प्रसाद सिंह, कैप्टन K.K. सिंह, सूबेदार मेजर R.S. यादव, M.W.O.G.P. गुप्ता, हवलदार हरीश चंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त ने कहा, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर अनिल कुमार गुप्त, अध्यक्ष भारत नेपाल मैत्री समाज। ये हम सेना के पराक्रम दिवस को आज मना रहे हैं। पराक्रम इस संदर्भ में कि दुनिया में पहली बार भारतीय सेना के समक्ष पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को जनरल नियाजी के साथ आत्मसमर्पण कराया और मेजर जनरल करियप्पा साहब के सामने ये हुआ। इसको हम अपने देश के सेना के पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं और मनाते चले आ रहे हैं। इसमें हमारे पूर्व सैनिक हैं, हमारे वीर सेनानी कल्याण संस्थान के लोग हैं, उसके अध्यक्ष अनिरुद्ध शाही जी हमेशा हमारे हर कार्यक्रम में तत्परता के साथ लगे रहते हैं और पूर्व सैनिक जितने भी हैं हम उनके लिए जितना भी आदर भाव करते हैं, उनके लिए जितना भी सम्मान करें, वो मेरे लिए कम ही है। क्यों? क्योंकि उनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस लेकर के जी रहे हैं, अमन चैन के साथ, सुख के साथ रह रहे हैं। पराक्रम दिवस, और ये पराक्रम दिवस इसी संदर्भ में हम मनाए हैं कि इस पराक्रम दिवस में सेना के मान सम्मान को, उसके मनोबल को और ऊंचा करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं, निरंतर इस काम को करते रहते हैं कि सेना का पराक्रम कहीं से भी नीचे न होने पावे, उसका आत्मबल बढ़ा रहे और वो दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारे।
जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने विकास कार्यों पर कहा कि जीडीए बहुत सारे योजनाओं पर कार्य कर रही है, जिसमें खोराबार योजना जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। रामगढ़ ताल के सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा रामगढ़ ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट क्रूज चलाने पर भी विचार किया जा रहा है, जो रामगढ़ ताल में मार्च तक ला दिया जाएगा। लोग जल्द ही क्रूज का आनंद ले सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, ठीक है आपका नोट कर लिया। 10,000 बहुत सारी योजनाओं पे गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा काम किया जा रहा है, जिसमें खोराबार योजना हमारी आने वाले बहुत कम समय में इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। राप्ती नगर में कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा रामगढ़ ताल क्षेत्र में बहुत सारे काम हम लोग पीपीपी मोड पे हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वाटर बॉडीज का रेजिग्नेशन हो, चाहे वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो, चाहे क्रूज हो, चाहे और भी अन्य जो कार्य हैं उनके ऊपर हम लोग इस टाइम काम कर रहे हैं। क्रूज के लिए 710-711 मार्च तक के लिए एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है कि तब तक हमारी पूरी तैयारियां हो जाएंगी। ठीक। विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संयुक्त तत्वावधान में विश्व की सबसे लंबी देर तक चलने वाले विश्व रिकॉर्ड श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन कुंड का शिलान्यास पूजन का कार्यक्रम तारामंडल स्थित प्रताप सभागार ट्रस्ट क्षत्रिय भवन के प्रांगण में किया गया, तथा विधि विधान से भूमि पूजन तथा हनुमान जी का ध्वज पताका फहरा करके शिलान्यास किया गया, जिसके संबंध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला मंत्री राधेश्याम ने बताया कि एक बार 13 किलोमीटर 9 कुंटल व दूसरी बार 15 किलोमीटर लंबा 11 कुंटल वजन का तिरंगा फैलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने के पश्चात एक बार 27 घंटा लगातार, दूसरी बार 48 घंटा लगातार और इस बार 81 घंटा लगातार हवन करके सनातन धर्म व राष्ट्र धर्म पर समर्पित होने वाले साथियों तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे बलिदानी के सम्मान में आयोजित किया जाने वाला यह कार्यक्रम गोरखपुर का मान पूरी दुनिया में एक बार फिर से बढ़ाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली श्री राम शौर्य कथा तथा पांचवी बार विश्व रिकॉर्ड बनने जा रही श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। दुनिया के इतिहास में तीसरी बार हवन का विश्व रिकॉर्ड बनने के साथ ही गोरखपुर का नाम विश्व इतिहास में रोशन होने के साथ ही पांचवा विश्व रिकॉर्ड होगा। इस अवसर पर डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी, सहायक अभियंता इंजीनियर योगेंद्र सिंह, इंजीनियर योगेंद्र सिंह, रामदेव सिंह, राधे श्याम चंद्र, वैद्य सुरेंद्र प्रसाद, दिलीप शाही, अभय सिंह चंदेल, इंद्रजीत सिंह, गोविंद तिवारी, विजय शंकर मिश्र, आदित्य दुबे, डॉक्टर सुधाकर श्रीवास्तव, चंचला शुक्ला, नर्मदा श्रीवास्तव, ओम प्रकाश सिंह, गुरुद्वारा प्रबंध समिति के प्रबंधक सरदार जसपाल सिंह, एडवोकेट रणजय सिंह, एडवोकेट मनीष मिश्रा, व्यास बंधु सिंह, पंडित CPM त्रिपाठी, फरसा बाबा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला मंत्री राधेश्याम चंद्र ने कहा। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले एक अभियुक्त को एसटीएफ गोरखपुर की इकाई ने किया गिरफ्तार। 2700 प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन, एक कार, 3 मोबाइल, 150 रुपए नकद किया बरामद, भेजा जेल। विजय दिवस पर वीर अमर शहीदों के समाधि स्थल पर पूर्व सैनिकों ने पुष्पगुच्छ रखकर दी वीर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि। कहा, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। जीत के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बना बांग्लादेश। महायोजना 2031 पर आई आपत्तियों की जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने की सुनवाई। कहा, कुल 11,500 आई थी आपत्तियां, सभी की हो चुकी है सुनवाई। बचे लोग सोमवार को आकर प्रेक्षागृह में बता सकते हैं अपनी समस्या। नगर निगम चुनाव के दृष्टिगत भाजपा के महानगर वार्ड के चुनाव प्रभारी व चुनाव संयोजक की संयुक्त बैठक हुई संपन्न। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, सीएम योगी की धरती पर उनका मान सम्मान बढ़ाना हर भाजपा कार्यकर्ता की है जिम्मेदारी। भाजपा कार्यकर्ताओं को नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाकर कायम करना चाहिए मिसाल।
खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए ट्रैफिक विभाग की तैयारी हुई पूरी। एसपी ट्रैफिक ने कहा, श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए 14 स्थानों पर बनाया जा रहा है पार्किंग। बाहर से शहर में आने वाले वाहनों का किया जाएगा रूट डायवर्जन। विजय दिवस पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि कर्नल बीपी शाही ने कहा, चुनौती मिलने पर शत्रु को पराजित करने की क्षमता रखने वाली सेना ही होती है सशक्त। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित 4 दिवसीय ललित कला महोत्सव का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के प्रचारक सुभाष जी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, साध्य के लिए साधन नहीं, साधना व संकल्प है अनिवार्य। भारत नेपाल मैत्री समाज व वीर सेनानी कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया भारतीय सेना का पराक्रम विजय दिवस। कहा, आज ही के दिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर भारतीय सेना ने कराया बांग्लादेश का उदय। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के 7 मार्च में क्रूज को रामगढ़ ताल में उतारने की जीडीए कर रहा है तैयारी। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने दी जानकारी। और विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संयुक्त तत्वावधान में 29 दिसंबर से प्रारंभ होगा श्री राम शौर्य कथा तथा श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन यज्ञ। कहा, 5वीं बार बनेगा विश्व रिकॉर्ड, गोरखपुर का नाम विश्व इतिहास में होगा रोशन। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।